हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज योर बॉय कवि खाना राज भाई। लंबे अरसे के बाद मुझे याद आया कि यूट्यूब चैनल पे किसी जमाने में होता था मेरा। एक ही वायरस स्टार्ट करते हैं यूट्यूब का और एरा की स्टार्टिंग करेंगे हम फूड ब्लॉग से। आज मेरे साथ है मेरा एक दोस्त, एक अब्दुल्ला मलिक, जो रेस्टोरेंट का थोड़ा सा माहौल आप लोग चेक कर सकते हैं। इट्स अ चाइनीज रेस्टोरेंट। मैं ज्यादा नहीं दिखा सकता क्योंकि फैमिलीज भी बैठी हुई हैं। जगह थोड़ी सी है लेकिन इट्स प्रीटी मच गुड। रेस्टोरेंट हम आए हैं यहाँ पे किचन में, तो किचन की भी कुछ क्लिप्स आपको हम बताते हैं। तो यार, दीज आर द चाइनीज बाउल्स और बारी बारी सब सबके फ्लेवर्स पूछते हैं। मेरा है कोमो। कोमो कौन सा? ये थाई चिकन कैश्यू नट। थाई चिकन विद कैश्यू नट ग्रेवी है और साथ में इसमें वेजिटेबल चाउमीन और एग फ्राइड राइस। इसके इसका भी सेम है पर थाई चिकन की जगह कौन सा है? चिकन मंचूरियन। चिकन मंचूरियन है उसका थाई चिकन। सर आपका? मेरा टैंगी। टैंगी मेरा भी टैंगी है भाई। मैं चिकन मंचूरियन बोला, मुझे चिकन लेग पीस। चिकन लेग पीस चिकन, लेकिन इसमें अमूल बटर नहीं है, मसला ये। यार ये इनकी है क्वांटिटी फॉर वन पर्सन वन बाउल, और मैं आपको कहाँ से दिखाऊँ ये बाउल। ये एक बंदे से खाया भी नहीं जाता पूरा, मुझे से सेट का बंदा हो, इतनी क्वांटिटी है। मजेदार मजेदार मजेदार। ये जो यहाँ पे सिर्फ बैठने का माहौल है वो थोड़ा सा ज़रा कंजेस्टेड सा है। यूजुअली यहाँ पे इतना रश होता नहीं है, लेकिन आज रश ज़्यादा हो गया है। तो इसी हालांकि 16 में चल रहे हैं, लेकिन फिर भी गर्मी भी बहुत है। तो सिर्फ बैठने का माहौल ज़रा शोर शराबा और कंजेस्टेड सा है, वरना ओवरऑल जगह बहुत अच्छी है। यहाँ पे इनकी प्राइसेस अब थोड़ी ज़्यादा हो गई है। मैंने उस वक्त इनका बॉडी में शुरू किया था जब उसकी प्राइस 300 थी, आज 580 है। आज के हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस है। लेकिन मैं अगर दूसरी तरफ ये बात करूँ तो ये वाला कॉन्सेप्ट और ये वाला आइडिया मुल्तान में आपको नहीं मिलेगा चाइनीज़ बाउल। कैसा लगा आपको? बहुत मजे का था, काफी मजे का था, क्वांटिटी भी थी। भाई एज अ सीनियर फूड ब्लॉगर इन सब में मैं नहीं मानता यार, फूड क्वालिटी अच्छी है, मजे का था, टेस्ट अच्छा था, लेकिन प्राइस जस्टिफाई मुझे नहीं कर रही। एक बंदा रह गया हमारा आज का कैमरा मैन। आज का मैं फोन भी इसी का यूज कर रहा हूँ, कैमरा भी इसी का यूज कर रहा हूँ। भाई मेरा भी तो बनाता है। ये वो बंदा है जो हफ्ते में 5-6 दफा यहाँ जरूर आता होगा। जी सर। मैं इनकी सारी ग्रेवी ट्राई की हुई है, मेरी तीन फेवरेट ग्रेवी है, मंचूरियन, क्रिस्पी एनी चिकन और टैंगी चिकन। तो मुझे वो तीनों ग्रेवी अच्छी लगती हैं, प्राइस भी ठीक है, मैं नहीं कहूँगा कि ओवर प्राइस है। बड़े भाई का पैसा। जब आप नहीं सरकारी खाता है, जब आपको खाना अच्छा लगता हो तो मेरे ख्याल से पैसे नहीं देखने चाहिए। चल झूठा।